वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ एसएसटी में। हमने सिविक्स का जो चैप्टर शुरू कर रखा है वो है फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद। संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसा कि आप सबको पता है कि आपका रिड्यूस सिलेबस भी आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके इस सिलेबस में कंसिस्ट किया हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के हमने कुछ वीडियोस डाल दिए हैं, शुरुआती जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, साथ में किस किस तरह के होते हैं, इसके की फीचर्स क्या हैं, वो सब हमने डाल दिए हैं। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए ताकि हम आगे भी शुरू कर सकें और आपको ये समझना थोड़ा इजी हो जाए। अब संघवाद में हमने आज पढ़ना है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे ये सब मैनेज किया जाता है, जो भी संघ में होता है ये मिलके रह लेते हैं तो कैसे रह लेते हैं। अपनी फैमिली में आप देखते हैं ना कि किस तरह हर काम बांटा हुआ होता है, हर जिम्मेदारी बांटी हुई होती है, जो किस तरह से किससे व्यवहार करना है ये सबको पता होता है, तो एक परफेक्ट सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ठीक वैसे ही संघ भी जो होता है वो एक तरह से एक फैमिली ही होता है, कि जो किस तरह से उस फैमिली में रहना है इस तरह ये डिफाइन करते हैं, किस तरह उस फैमिली के साथ चलना है ये डिफाइन करते हैं, किस तरह उस फैमिली में किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये डिफाइन किया जाता है, और किस किस को क्या पावर्स दी जाएगी वो सब भी संघवाद में डिफाइन किया जाता है। तो आप अपने फैमिली की तरह ही संघवाद को भी कंपेयर कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको समझना है आपको, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको ये समझा हुआ होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट होना चाहिए कि किस तरह से ये व्यवस्था ये सिस्टम काम करता है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। हर चीज एग्जैक्टली डिफाइन की हुई जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में जरूरी होता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज पहले से डिफाइन होती है, तो संघीय व्यवस्था में भी ये चीज पहले से डिफाइन की हुई जरूरी होती है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। अगर भारत में संघीय व्यवस्था कारगर साबित हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। हमने इतने उतार चढ़ाव देखे अपने लोकतंत्र में, हमने और भी कई देशों को देखा, जैसे हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमने नेपाल को देखा और म्यांमार को भी हम देख रहे हैं, श्रीलंका को भी देखा। तो ये जो इतने सारे कंट्रीज हमने देखे हैं उनमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रही, कभी कभी बहुत ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं स्थायित्व का भाव नहीं रहा। कई बार हुआ है पाकिस्तान में भी फौजी शासन लागू हुआ है, अधिनायक तंत्र लागू हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हमेशा से जो है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में एक जंग चलती आई है, म्यांमार में जो है फौज का शासन रहा है। तो ऐसे में ऐसा कुछ तो भारतीय व्यवस्था में है जो उसको अब तक लोकतंत्र बनाए हुए है। इतने 75 सालों के बाद भी, इतना विशाल देश होते हुए भी, कुछ तो वो हमारे चरित्र में है, वो हमारे राजनीतिक चरित्र में है, जो इस लोकतंत्र को स्थायी रखे हुए है। तो हमारा यही लोकतांत्रिक राजनीति का जो चरित्र है वो संघवाद की सफलता का द्योतक है, वो संघवाद की सफलता का कारण है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता और का आदर, और संग संग रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। यानी टोटली बात यह है कि जिस तरह हम घर में रहते हैं, अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं, अलग अलग मूड होता है उनका, अलग अलग जिनकी ओपिनियंस होते हैं, फिर भी हम एक साथ मिलके रहते हैं, फैमिलीज को हमारे यहाँ इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज हमारे चरित्र में ही है कि अगर किसी के लिए कुछ एडजस्ट करना होगा तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटते, ठीक है ना। तो संघवाद में यही चरित्र, यही लोकतांत्रिक व्यवहार जो है वो काम आता है। How does the federal system work? Obviously, constitutional provisions are necessary for the effective functioning of the federal system, but this alone is not sufficient. क्योंकि अगर सिर्फ कानून ही लागू होने से सब कुछ हो जाता तो आज पूरे विश्व में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कानून तो सभी लागू करते हैं, लेकिन उन कानूनों को उन लॉज को, उन प्रावधानों को, उन प्रोविजंस को उस देश के नागरिक किस तरह लेते हैं ये ज्यादा जरूरी है। If the federal system of governance has been effective in India, then the reason for it is not only because the constitutional provisions.
द मेन क्रेडिट ऑफ द सक्सेस ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया हैज बीन गिवन टू द कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ठीक है ना, ये इसका सबसे बड़ा की क्रेडिट वाला फीचर है. This ensured the establishment of the spirit of federalism, respect for diversity, and the desire to live together as the common ideal of our country. तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में संघवाद इतना सफल हो पाया था. अब आप इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दो मैप है, दोनों ही भारत के मैप है. एक मैप जो है वो 15th अगस्त 1947 का है और एक जो है वो रीसेंट मैप है. तो आप आसानी से इन दोनों मैप्स को जो है कंपेयर करके देख सकते हैं. इस मैप में भारत में टोटल 28 स्टेट्स, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं. 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इस मैप में उतने प्रदेश उतने राज्य नहीं है. आप देख सकते हैं कि जहां पर हम उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड को देखते हैं, वहां पर जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस है. ठीक है, जहां पर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और को देखते हैं, वहां पर मध्य प्रदेश ही है लेकिन उसका जो है आकार अलग है. जहां पर हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका को देखते हैं, वहां पर हैदराबाद राज्य है. ठीक है, उसके नीचे मैसूर राज्य है, फिर है मद्रास राज्य, जहां तमिलनाडु है वहां मद्रास राज्य है, कच्छ अलग राज्य है, सौराष्ट्र अलग राज्य है, मध्य भारत अलग तरह से है, बिहार, उड़ीसा और उनके सबके शेप्स अलग है. ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इसको हम अलग अलग 7 राज्यों में देखते हैं, 7 सिस्टर्स के रूप में जानते हैं. ये पूरा नॉर्थ ईस्ट एक असम के रूप में है. वहीं अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो पूरा का पूरा जो है वो उत्तर प्रदेश कहलाएगा, या पूरा के पूरे को पंजाब में शामिल कर लिया जाता है, और कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर है. जबकि अब हम जो नक्शा देखते हैं वो बिल्कुल अलग है. तो आपको ये नक्शा देख के कोई चीज समझ में आ रही है कि किस तरह से भारत में राज्यों का विभाजन किया गया होगा, क्या सोच के किया हुआ? बिल्कुल सही आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही है कि भारत में राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर किया गया है. लैंग्वेज इज द मेन फैक्टर जिसके बेसिस पर भारत में राज्यों का विभाजन किया गया है. अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि अरे ऐसे कैसे, इस तरह से अगर हम बांट दें किसी एक चीज के आधार पर तो क्या लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं हो जाएंगे, क्या सब कुछ विविधता में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है भारत में. बल्कि भारत में अगर लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बांटा गया है तो उससे भारत की एकता में वृद्धि हुई है. कैसे, आप ये समझिए कि जैसे महाराष्ट्र है, जब पहले महाराष्ट्र जो कि आधा हैदराबाद में शामिल था और आधा गुजरात में शामिल था, तो ऐसे में महाराष्ट्र को जब बोली चाली, कस्टम्स, रीति रिवाज, इन सब के आधार पर, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, इन सब के आधार पर अगर एक राज्य बना दिया जाए तो यहाँ पर रूल करना, यहाँ पर शासन करना इतना मुश्किल नहीं हो जाता है. ठीक है, और फिर इन सभी कड़ियों को सेंटर में जोड़ दिया जाता है. तो ये वो तरीका है जिससे हमने भारत की एकता को बचाया है. थोड़ा अलग है, थोड़ा अटपटा सा लग सकता है कि बांट के और हमने एक किया है. बिल्कुल सही है, ये तरीका बिल्कुल सही है. आप देख सकते हैं उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर उड़िया बोली जाती है. उसके नीचे हम अगर आंध्र प्रदेश में जाएं तो वहां पर मलयालम बोली जाएगी. उसके नीचे साउथ की तरफ जाएं तो यहाँ तमिल बोली जाएगी. कर्नाटका में आए तो कन्नड़ बोली जाएगी, मराठी बोली जाएगी, यहाँ अवधी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, गढ़वाली और फिर हिंदी, और इधर जो है भोजपुरी, फिर बंगाली, असमी. यानी कि अगर हम जहां भी जाएं वहां देखेंगे कि एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत है. भाषाई विविधता जितनी हमारे देश में है उतनी शायद किसी और देश में नहीं मिलेगी. तो ये भाषाई विविधता और इस विविधता को उसकी पूरी डाइवर्सिटी के साथ डिफाइन करना, यही हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है. तो यहाँ हुआ क्या, हमने संघ बनाया,
हमने जो संघ बनाया वो किस आधार पर बनाया, वो भाषा के आधार पर बनाया, और भाषा के आधार पर जो संघ बना वो कभी भी भारत की एकता में बाधक नहीं साबित हुआ, वो हम भारत की एकता के लिए वरदान साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे हमने दो काम किए। क्या दो काम किए? सबसे पहला काम तो जो हमने किया वो था शासन में सुविधा। इससे हमें जो है गवर्नेंस में बहुत ज्यादा सुविधा मिल गई, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि विकेंद्रीकरण जो कर दिया गया, विकेंद्रीकरण जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया वो डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने इसकी नृजातीय भाषाई और सांस्कृतिक नृजातीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को बचा लिया। यानी कि हमने विविधताओं को भी लुप्त नहीं होने दिया और हमने एकता को भी अक्षुण्ण रख लिया। और यही वजह है कि इस तरह से भाषाई आधार पर भारत के भारत को राज्यों में विभक्त करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हुआ। तो अब आप मैप से आराम से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने विविधता को अपनाकर और एकता को पा लिया है। नाउ भारत इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि नए राज्यों को बनाने के लिए 1947 में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी एथनिसिटी के विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य इनमें शामिल किए गए हैं, जिनको भाषा के आधार पर नहीं बल्कि इनकी एथनिसिटी के आधार पर डिवाइड किया गया। इनकी जो जातीय विशेषताएं हैं, जो इनका कल्चर है, इनके आधार पर डिवाइड किया गया। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states. Some states were created not on the basis of language, but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. This includes states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ ethnicity के लिए इनको divide किया गया, कहाँ इनको language के लिए divide किया गया था। अब भाषा नीति क्या है, भारत की भाषा नीति, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे यूनियन का, वो सबसे मेन क्या है हमारे फ्यूडल सिस्टम का, वो है भाषा, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स। तो भाषा नीति जो है वो है भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई थी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी हमारे देश में सिर्फ 40%, लगभग 40% लोग ही बोलते हैं। तो इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए और भी उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए? संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को, जो कि अब 22 हो गई है, ठीक है ना, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के अच्छा वो हिंदी के समेत हो गई है, तो 21 अलग है और एक हिंदी है, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों को अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषाओं से करने का अधिकार है। तो यानी हमने भाषाओं को, डायलेक्ट्स को, लैंग्वेजेस को इस तरह से सुरक्षित रखा है कि वो एकता में कहीं बाधक भी नहीं बने और उनकी विविधता भी बची रहे। सो लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट यूनिक ऑल्सो बिकॉज इट हैड टू सेव द डाइवर्सिटी इन ऑल द लैंग्वेजेस। Which says a second test for Indian federalism is the language policy. Our constitution did not give the state of national language as any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore,
there were many safeguards to protect other languages besides Hindi. There are 21 other languages recognized as a scheduled language by the constitution. A candidate in an example conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. State too have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. तो इसमें भी states को पूरी तरह से छूट दी गई है कि आपकी जो राजभाषा है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में सिर्फ भाषाई विविधता नहीं है, जो उनकी लिपि होती है, जो उनकी स्क्रिप्ट होती है, उसमें भी बहुत विविधता आ जाती है. जैसे आपने देखा होगा जो हिंदी और संस्कृत है, हिंदी और संस्कृत भाषाएं जो है वो किस में लिखी जाती है, वो देवनागरी में लिखी जाती है, वो देवनागरी में लिखी जाती है. वहीं पंजाबी किस में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है, वो गुरुमुखी जो है लिपि में लिखी जाती है. इंग्लिश जो है लैटिन में लिखी जाती है. और इसी तरह भारत में हर भाषा की अपनी स्क्रिप्ट है, अपनी लिपि है, और इन लिपियों को भी संरक्षण हमें करना था. इस वजह से भारत में इस भाषा नीति को अपनाया गया, ठीक है ना. तो ये भाषा नीति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई. अब हम बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की जो आपके बुक में दिए हुए हैं. केस स्टडीज ये करती है, देखो हमने ये देखा कि भारत में लैंग्वेज के आधार पर राज्य बन गए, अलग अलग हो गए राज्य, अलग अलग उनको पावर्स दे दिए गए. तो ये पावर्स दिए गए, अब अगर इन पावर्स के रूप में कॉन्फ्लिक्शंस हो तो उनसे कैसे हैंडल किया जाए. कॉन्फ्लिक्शंस का मतलब होता है विवाद, एक दूसरे से असहमति. अगर असहमति हो तो उससे कैसे हैंडल किया जाए, ये हमें देखना है. देखिए कुछ एग्जाम्पल या हम कह सकते हैं केस स्टडीज जो दी हुई है वो क्या कहती है. सबसे पहला एग्जाम्पल है कि पोखरण, जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, वो कहां है, वो राजस्थान में है. मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी है, और तो क्या वो केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी, ठीक है. पोखरण द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वॉज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट. क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं. क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने जब सेंट्रल लिस्ट पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट पढ़ी थी, तो जो परमाणु नीति है, जो एटॉमिक पॉलिसी है, एटॉमिक रूल्स है, एटॉमिक लॉज है, वो किस में दिए हैं, वो सेंट्रल में दिए हैं, वो उन्होंने यूनियन लिस्ट में दे दिए. तो राज्य उसमें कहीं दखलंदाजी नहीं कर सकते, राज्य कुछ भी नहीं कर सकते. केंद्र जहां चाहेगा, जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा यूज करेगा अपने परमाणु नीतियों के लिए, तो उसके लिए राज्य कभी भी विरोध नहीं कर सकते. अब दूसरा एग्जाम्पल है, मान ले कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है. मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय शैली और विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है. ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है. ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये सबसे कंफ्यूज करता है, यही वाला केस. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स इन द स्कूल, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड द कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक. इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक्स कैन बी लॉन्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझे इस चीज को. देखिए तीन लिस्ट हमने देखी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची. तो हमने क्या देखा था कि संघ सूची में जो होंगे उनका राज्य से कोई लेना देना नहीं, राज्य सूची में जो है तो केंद्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय है उन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं. और शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है, जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है. तो ऐसे में क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, ऑब्वियसली ये भी हमने पढ़ लिया है कि अगर संघ, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर बने कानून राज्य के और केंद्र के विरोधाभासी हो तो केंद्र का कानून माना जाएगा. ऐसे में ये जवाब हम दे सकते हैं कि हाँ, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा. समझ रहे हैं आप, तो क्यों, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है. हालांकि कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन उन्हीं स्थितियों में अगर केंद्र उससे सहमत हो, ठीक है.
अब तीसरा एग्जाम्पल दें, मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है, क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? सपोज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ द स्टेट पुलिस शुड रेस्पॉन्ड टू द नक्सलाइट्स, can the prime minister of india intervene and pass an order that all the chief minister will have to obey? kya aisa possible hai? bilkul nahi aisa. is mamle mein jo kendra sarkar hogi wo sirf apni raaye de sakti hai. kyun? kyunki seedhi si baat hai, aapne jab padha tha to aapne kaha ki jo policies hain ya fir hum keh sakte hain ki jo is tarah ki cheeze hain wo kiske under hain, wo aati hain rajya sarkaron ke under. ठीक है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि दो से अधिक राज्य हैं, तो दो से अधिक राज्य होने की स्थिति में केंद्र सरकार भी उतने उस तरह के से काम नहीं करेगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करेगा. तो ऐसे में राज्यों और केंद्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आएगी. तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या उठ रहा है, यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि तो केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हों, किस तरह से केंद्र और राज्य के संबंधों को डिफाइन किया जाए. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आज छोड़े जा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियोज में. जब भी हम मिलेंगे, जल्दी ही हम मिलेंगे, तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. आप तब तक सोचिए और अपना उत्तर ढूंढिए कि किस तरह से हम केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित कर सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस तरह से एकदम सही बैठाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हो तो ऐसे में विरोधाभास भी होना जायज है और स्वाभाविक है. तो ऐसे में क्या किस तरह से काम किया जाता है, संविधान इसके लिए क्या करता है और हमारी जो व्यवहारिक नीतियां हैं वो इसके लिए क्या करती है. तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए अपने सब्जेक्ट को ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें. थैंक यू.